नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSCD वाले के लिए हम ये सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 18 के 15 मैथ को आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको भी कोई मैथ का बुक से कोई भी चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे यह वीडियो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ABC है तो क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बताते हैं। कोई भी त्रिभुज, एक त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा जो है ना ABC है, अलग अलग है। एगो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। भाई साहब, जब तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है इसका मतलब है कि विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते होंगे, दसवां में पढ़िएगा हीरोन का सूत्र, जानते हैं ना विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए हम लिखते, डायरेक्ट लिखते क्षेत्रफल लिखते हैं। क्या होता है, रूट अंडर S(a)(b)(c) होता है। ठीक है, जहाँ S जो है S बराबर a+b+c बट्टा में 2, मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिखेरा हो हम पे ना दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है भैया, 37 का मान पूछ दिया है। कौन नहीं जानता है, 10 में से गड़बड़ाते आ रहे हैं कि 1/2 होता है। ठीक है, यदि इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो ज़रूर हम बताएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। नहीं तो इसका मान याद रखिएगा, 37 का मान होता है 1/2 होता है, 45 का होता है 1/√2, और cos 45 के भी होता है 1/√2। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक TV 7500 रुपये में खरीदा और 10000 रुपये में बेच दिया, TV पर कितना लाभ अथवा हानि प्रतिशत हुआ। दोस्तों CP बोला है कि 7500 रुपया है, 7500 रुपया में कोई व्यक्ति TV खरीद के लाया है और बेच दिया, इसका मतलब SP 10000 रुपया में बेच दिया, तो भैया यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना, 2500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ मतलब प्रतिशत प्रॉफिट। ठीक है, इस तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम तो केवल यहाँ लिख रहे हैं। मने मने नहीं कर सकते कि 7500 में खरीद के 10000 में बेच दिए, 2500 रुपये लाभ हो गया, इतना मने मने कहते थे। तो इतना तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 2500 लाभ हुआ, कितना पूंजी फंसाने पर, तो 7500 और प्रतिशत के लिए 100% गुना। ठीक है, 00 से 00 25 100/3%, यानी कि 33.1/3। ऑप्शन किस प्रकार से है देख लीजिए, ऑप्शन है 3 दशमलव में है, 33.33 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा हो हमको ना दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। (x)y (3x²y²+4y) ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको दोस्तों, गुना कर लीजिए जो बाहर में उससे, दोनों में गुना कर दीजिए। तो 3x में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x³, y में y² से गुना कीजिएगा तो y³, प्लस यहाँ 4x, y में y से गुना तो y², यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में है का है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2y-4x=24। दोस्तों हम शॉर्ट करते जा रहे हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले रहे थे, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 2 हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, 2 से कर देगा 12 में। y-2x = क्या हो गया, 12। फिर दूसरा समीकरण क्या दिया है, y+3x = हो जाएगा, दिया है कितना, 7 दिया है। xy का मान आपसे पूछ दिया है, xy का मान
फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं कीजिए, इसमें घटा दीजिए, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, इसे पढ़ चुके हैं आप लोग थ्योरी में, ठीक है। प्लस में वाई माइनस में वाई जीरो हो गया, टू एक्स माइनस में और तीन एक्स माइनस में, माइनस में पाँच एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा पाँच, ठीक है। एक्स बराबर पाँच माइनस पाँच गुना में जाएगा तो भाग में माइनस पाँच हो जाएगा, तो पाँच बट्टा माइनस पाँच, पाँच से पाँच एक बार कट गया, आपका आंसर माइनस वन हो गया, एक्स का वैल्यू माइनस वन आ गया, ठीक है। और वाई का वैल्यू निकलना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, वाई क्या निकलना था, वाई बड़ा वाई माइनस टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना दिया है माइनस वन, ठीक है, माइनस वन दिया है, माइनस माइनस प्लस यहाँ गुना है माइनस है, ठीक है, तो माइनस वन बड़ा इधर बारह हो गया, तो यहाँ गुना की चिन्ह है, माइनस वन गुना कीजिएगा, ठीक है, तो माइनस टू में माइनस एक से गुना कीजिएगा, ठीक है। वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, दो एकम दो हो जाएगा, ठीक है, बराबर बारह हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया, दो जाकर उधर घट जाएगा, तो वाई का वैल्यू आ गया दस, तो एक्स का वैल्यू आ गया माइनस वन, वाई का वैल्यू आ गया दस, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन में देख लीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए छत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है एक शंकु का आयतन बताइए, एक शंकु पचास शंकु, दुनिया में कोनो एक कोनो शंकु का आयतन देख के ना होता है पाई स्क्वायर एच, एक बटा तीन पाई स्क्वायर एच, ये सब सिद्ध किए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सब बनाने वाला क्वेश्चन थोड़े है। चलिए सैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छः आदमी दस दिनों में डेढ़ सौ रुपये कमाते हैं तो आठ आदमी सात दिनों में कितने रुपये कमाएंगे। दोस्तों मैन इंटू डेज होता है कुल काम की मात्रा, छः आदमी दस दिनों में डेढ़ सौ रुपये कमाता है तो बोल रहा है कि आठ आदमी सात दिनों में कितना रुपये कमाएंगे, तो एक सौ रुपये मान लेते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, तीन दूना छः, तीन पच्चे पंद्रह, और दो चौके आठ, सात चौके अट्ठाईस, अट्ठाईस पच्चे एक सौ चालीस होता है क्या, हाँ तो एक सौ चालीस बराबर एक सौ ग्यारह, ठीक है। अट्ठाईस सौ अट्ठाईस पच्चे देखिए कितना होता है, आठ पाँच चालीस पंद्रह दस दस हज़ार चौदह, एक सौ चालीस रुपये कमाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक सौ चालीस रुपया, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। चलिए और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कितने समय में साढ़े चार सौ रुपये पाँच प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर से पाँच सौ चालीस रुपया हो जाएंगे। दोस्तों प्रिंसिपल दिया है चार सौ पचास रुपया, रेट दिया है आपको पाँच प्रतिशत, टाइम पूछ दिया है और मिश्रधन यानी अमाउंट दिया है पाँच सौ चालीस रुपया, पाँच सौ चालीस रुपया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आप कितना वृद्धि हुआ है, कितना ब्याज आया है, उतना पता चल जाएगा आपको, उधर पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना ब्याज आया देखिए, तो 540 में से मूलधन को हटा दीजिए तो ब्याज निकल जाएगा, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, चौदह में से पाँच गया नौ, यानी कि नब्बे रुपया उसको ब्याज आया है, नब्बे रुपये ब्याज आया है। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है पी आर टी गुने सौ, पी आर टी बटा सौ, तो ऐसा ही दिया है नब्बे रुपया, प्रिंसिपल कितना है चार सौ पचास रुपया, रेट कितना है पाँच प्रतिशत, टाइम कितना है पता नहीं है, अब बट्टा में सौ काटिए, एक जीरो से एक जीरो और नौ दोहैया नब्बे, नौ पचे पैंतालीस, पाँच दूना दस, अब गुना कर लीजिए, अब फिर पाँच दूना दस, यहाँ इधर टी और दो भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो दो दूना चार, यानी टी का वैल्यू है चार साल, ठीक है, है ऑप्शन में चार साल देख लीजिए, हाँ है तो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। चलिए उनचालीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लॉग टू के पावर एक्स बराबर तीन हो तो एक्स के मान आप बता दीजिए। भैया सुनिए, ये सब पढ़ा रखे हैं, आई बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हमने क्या बता रखा है कि लॉग ए के पावर में बी बराबर पी दे, पी से प्रकाश, समझिए इसी तरह का है थ्योरी बताए हुए हैं, लॉग ए के पावर में बी बराबर पी दे और पी के मान पूछ दे,
सॉरी एक्स के बी के मान पूछ दे तो क्या करेंगे, इंटरचेंज होता है, तो इंटरचेंज होगा तो पी चलाएगा बी के जगह पे और बी चल जाएगा पी के जगह पे, और लॉग हट जाएगा तो यहाँ ए अब पी चलाएगा इसके जगह पे अब बी चल जाएगा पी के जगह पे, यही तो काम यहाँ करना है। तो देखिए एक्स चल जाएगा तीन के जगह पे, तीन चलाएगा एक्स के जगह पे, तो दो के एक्स तीन चलाएगा एक्स के जगह पे, तो तीन यहाँ बैठ गया, एक्स चल जाएगा तीन के जगह पे तो तीन, इसी तरह तो ये हो गया, एक्स यहाँ चलाएगा तो इसी तरह तो ये हो गया, तो दो का क्यूब कितना होता है आठ, इधर एक्स यानी एक्स का वैल्यू पूछा है, आपका आंसर हो जाएगा आठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ओला रे की याद आती है, ओला रे की याद आती है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या क्या होगी। ये भैया सुनिए, दुनिया के कोई भी स्कूल में लड़का और लड़की मिलाकर 100% होता है, तो यहाँ खोल के बोल दिया है कि लड़का जो है ना 55% है, तो हम लोग दिमाग से निकाल लेंगे कि लड़कियाँ 45% है, तो चूंकि लड़कियाँ हैं 45% और जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 675 है, तो दोनों तो लड़कियों की संख्या इसलिए बराबर, आपसे पूछा लड़का की संख्या पूछा है इसलिए 55% का मान निकाल दीजिए, 55% का वैल्यू कितना हो जाएगा 675 बट्टा में 45 और 55% के मान निकलना है तो 55 से गुना, 9 × 5 = 45 और 9 से कटेगा 9 × 7 = 63 9 × 5 = 45 5 से कर जाएगा 15 बार में और 15 × 55 कर दीजिए तो 15 × 5 = 75 के 5 × 7 15 × 5 = 75 = 7 82 हो जाएगा, यानी लड़का की संख्या आ गया 225, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 × 9 = 6 × 6 = 4 का वर्गमूल मतलब रूट चढ़ा दीजिए, दोस्तों अंतिम में चार है तो वर्गमूल करने के बाद जो संख्या आएगा उसके अंतिम में 8 या तो 2 होगा, ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए 8 और 2 वाला है का, 2 को ऑप्शन है 2 तो वाला तो हले नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पहले ही खत्म हो गया, अब बच गया ऑप्शन बी में 608 ऑप्शन सी में 708, यानी इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, यानी इसका वर्गमूल इस दोनों में से कोई एक होगा। अभी कैसे पता चलेगा तो ध्यान दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख लाख हुआ, यानी कि 3 लाख के आसपास हो रहा है, ठीक है, 3 लाख के आसपास, इसे संख्या छोड़ दीजिए, 3 लाख के आसपास हो रहा है, तो 7 के स्क्वायर कीजिए, 700 है ना, 700 के स्क्वायर कीजिएगा, 7 के स्क्वायर 49 और 2 जीरो के मतलब 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यहाँ 4 लाख आ जा रहा है और यहाँ 3 लाख के बात हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब यही आंसर हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 608, ये सब पढ़ा रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि 6, 8, 5, 7, x एवं 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान बताइए, दोस्तों समांतर माध्य का फॉर्मूला जो है ना दसवां में आप पढ़े होंगे और सेट नंबर 16 में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, औसत का ही फॉर्मूला इसमें लगाइए ना, सब संख्या का योग 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 यह योग हो गया, औसत पूरी संख्या योग होता है, आज बोला है कि औसत है 7, ठीक है, औसत है 7 मतलब माध्य 7 है, संख्या का योग है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से गुणा कर दीजिए, जुड़िए 8 × 6 = 14, 5 × 19 = 26, 4 × 30 = 30 + x = 7 = 42
एक्स बराबर हो जाएगा 30, भर जाएगा उधर जाके 12, एक्स का वैल्यू आ गया 12, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। औसत का ही फार्मूला से निकाला जाता है, ठीक है। दसवां वाला पे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, 64, 96, 112 और 72 का LCM, LCM का नियम बताए हुए हैं, ठीक है। 64 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, 32 यहाँ है, 32 तक, यहाँ तक ले 32 हुआ है, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 32 × 96 हो जाएगा, ठीक है। 32 × 64, इसमें 64 भी हो गया, इसमें 96 भी हो गया, इसमें 112 है कि नहीं देख लीजिए, तो 112 के आप तुर के देख लीजिए, 112 के तुर के देखिए तो 2 × 2 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 28 = 12 में, 2 × 14 = 12 में, 2 × 7 = 12 में, देखिए 4 × 2 तो इसमें हेले है, 7 नहीं है, 7 से गुना कर दीजिए, 72 इसमें है, 2 × 4 × 8 × 16 8 × 24, एक और 3 से गुना कर देंगे तो 72 भी इसमें हो गया, इसमें सब संख्या आ गया, ठीक है। बस इसी को गुना कर दीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा, तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 यहाँ तक ले 64 आया, यहाँ देखिए 7 × 21 = 63, ठीक है। तो 3 × 4 = 12, दो वाला ऑप्शन है क्या, देखिए दो वाला ऑप्शन 2 को है तो एक अंक और बढ़ना होगा, 3 × 6 = 18 × 6 = 24 × 18 = 20 अब 22 = 44 आए 44 एक हासिल 45 लास्ट में 52 है किसी ऑप्शन में, नहीं है, गलती कहीं कर रहा है का, 3 × 12 = 2 हासिल 1 और 3 × 6 = 18 × 6 = 24 18 × 24 = 18 × 20 और 22 = 42 एक हासिल 43 ना होगा 43 तो 43 × 3 हो जाएगा, ठीक है। 32 ऑप्शन में है लास्ट में, हाँ 40 = 32 है, यानी यही अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, प्यारे हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री 48 डिग्री 92 डिग्री है, तो चौथा कोण बताइए। दोस्तों कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, उसका चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसमें तीनों का मान दिया हुआ है 100 + 48 + 92, कुल में से तीनों घटा दीजिए तो एक बचेगा, वो चौथा होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 360 − 9, 2 + 8 = 10, 10 × 0 = 1, 10 × 4 = 14, 4 + 1 = 2 घटा दीजिए, यानी कि 0, 2, 1, यानी 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्न से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 61 / 256, 31 / 128 और 121 / 512 और डी में है 42 / 150, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका अंतर ज़्यादा होगा। इधरों का अंतर देख लीजिए, इधरों का अंतर देख लीजिए, इसमें अंतर देख लीजिए, इसमें अंतर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अंतर आपको इसी में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा का अंतर है इसमें, इसका मतलब है यही सबसे छोटा भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेकर, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।